नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में जीटीएल इंफ्रा के बारे में। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मेरी कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को मैं क्लियर बताया था कि 4 अक्टूबर 2024 वाली लिस्ट में, जो लिस्ट तो आती है सोमवार वाली, 7 अक्टूबर 2024 वाली लिस्ट आती है, उस वीडियो में मैं बोला था कि हो सकता है, संभावना ज़्यादा है कि आज 4 अक्टूबर को एसएम के लिस्ट से ये जीटीएल इंफ्रा बाहर आ सकता है, संभावना है। हालांकि बहुत सारे मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे ये थंबनेल है आप देखते हो, बाहर होगा होगा लिखा था, सोमवार तैयार होगा। तो सोमवार से बोला था कि तैयार रहिएगा, संभावना है कि एसएम के लिस्ट से बाहर आएगा। अब बाहर उस समय तो क्लियर नहीं था, अभी जो है ये क्लियर हो चुका है। रात में अपडेट आया था, बना नहीं पाया, वही नहीं, इसीलिए मैं इसकी वीडियो तो शाम को बना दिया था ना, कि रात में अपडेट आएगा, बना नहीं पाऊंगा। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं मार्क कर दिया हूँ येलो कलर से, इसको जो है हाईलाइट कर दिया हूँ। 7 अक्टूबर 2024 ये लिस्ट आई है 4 अक्टूबर की, लेकिन लिस्ट है 7 अक्टूबर की, क्योंकि शाम को आएगी तो 2 दिन छुट्टी है, तो उसके बाद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्या है लिस्ट, ये एसएम की लिस्ट से बाहर आने वाली लिस्ट, लिस्ट में कितने शेयर गए हैं उन सब की भी यहाँ लिस्ट। जैसे कि एक रतन पावर की जो वीडियो इसी चैनल पे बनाता हूँ, और इसकी बनाया था वीडियो, नहीं बोला था कि रतन पावर तो आने वाला है, वो भी आ सकता है, तो इस वजह से वीडियो बना नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेज वन में ये, टू से स्टेज वन में ये आ गया है, ठीक है ना। और उसके बाद जीटीएल इंफ्रा क्या किया है, जीटीएल इंफ्रा तो स्टेज वन में था ही, लॉन्ग टर्म के स्टेज वन में था, सीधा इसको बाहर आना था और बाहर आ गया है, ठीक है ना। तो खुशखबरी लाया हूँ आप लोगों के लिए, हालांकि ये खुशखबरी देने में थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमको मतलब है सोमवार से, तो कभी भी कल दूँ, आज दूँ, या कल भी दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप लोग खुश हो मेरे एनालिसिस तो से। तो और कुछ भाई लिख भी रहे थे कि एसएम लिस्ट का जो है बादशाह, एसएम लिस्ट का एक्सपर्ट, ऐसे लिख रहे थे, तो पता था कि भाई जो बोल रहा हूँ लगभग लगभग सही हो सकता है, मैं तो हूँ नहीं कि मुझे ही रिव्यू करना है, लेकिन वही बात। अब देखिए तो ये यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, अब यहाँ से किसी को दिखेगा कि ये पीडीएफ भी मेरी गलत है, तो ये 100% पीडीएफ वेरीफाई पीडीएफ है, ऐसा नहीं मैं किसी थर्ड पार्टी से करता हूँ, नहीं ऑफिशियल है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता था साइड में कि लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज वन लिखा रहता था, तो देखिए अब ये भी हट गया है, क्योंकि बाहर आ गया तो हट गया है, ठीक है ना। अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, इसमें तो 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिली थी, 2 रुपये 30 पैसे इसका करेंट प्राइस ट्रेड करा था, 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए थे। इसका अगर डिलीवरी परसेंटेज हम लोग देखेंगे तो 42% का था, ट्रेडेड वैल्यू की बात करेंगे तो 17-18 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए थे, जो कि मैं ये सब बता चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पे कोई न्यूज नहीं आई है, कोई मीटिंग डेट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं है। कल जब मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा था ना, तो ये भी देखिए ग्रीन में कई बार ग्रीन में गया था, लेकिन फाइनल जब मार्केट में वो बड़ी वाली गिरावट आई ऊपर हाई से, तब जो है इसमें भी गिरावट आई और ये भी जाके जो है नीचे की साइड में ट्रेड किया। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं, हम लोगों को एसएम लिस्ट से बाहर आ चुका है, सर्किल लिमिट चेंज होने की संभावना कम है, क्योंकि बहुत सारे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए से बाहर भी आ जाते हैं तो भी सर्किल लिमिट उसका चेंज नहीं होता, तो सर्किल लिमिट 5% ही रहेगा, क्योंकि सुरलोन, जेपी पावर, ये सब देख लीजिए ना आपके सामने पड़े हुए हैं, सबका एसएम लिस्ट से बाहर आए और सबका जो है सर्किल नहीं बढ़ा, किसी का भी नहीं बढ़ा सीधा सीधा के लिए। अब अगर देखिए इसमें दम है भाई, देखिए यहाँ से बड़ी कैंडल बनी थी, यहीं जो मैं कल भी समझा रहा था आप लोगों को, यहाँ से बड़ी कैंडल बनी थी, तब से इसमें ज़्यादा निगेटिव ट्रेड कर रहा था और ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी, ठीक है ना। और मुझे भी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही थी कि अब ऊपर जाएगा जाएगा। अब जो एक हम लोगों का मैं बताया था कि 2 अक्टूबर तैयार रहिएगा, 2 अक्टूबर को वेडनेसडे था, तो फ्राइडे को मेन एनालिसिस होती है बड़ी वाली वीकली, तो अब ये बाहर आ चुका है। अब सोमवार जब मार्केट ओपन होगा 7 अक्टूबर को, तो 7 अक्टूबर से बिना एसएम लिस्ट के ट्रेड करेगा। अब इसमें जो है अगर तेजी आनी है और अगर इसको ब्रेकआउट देना है, अगर ऊपर जाना है, तो अब भागने के लिए इसमें जो है सारा सारा जो है दरवाजा खुला हुआ है। अब वो बंधक में नहीं है कि नहीं एसएम लिस्ट में है तो कैसे, कोई डर रहे हैं खरीदने के लिए ऑपरेटर, अब ऑपरेटर के लिए भी फ्री हैंड मिल गया, इंट्रा ट्रेडिंग पहले से ही चालू है, कि ऐसा नहीं कि नहीं इंट्रा डे बंद है तो कैसे एक ही दिन में खरीदेंगे बेचेंगे, बोलूँ बढ़ना चाहिए इसका, ऑपरेटर भी आ सकते हैं, चाहे जो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर या ऐसे भी जो भी इन्वेस्टर रहते हैं होते हैं, वो भी एसएम लिस्ट की वजह से कुछ लोग नहीं खरीदते हैं, तब तो उनके लिए भी खरीदारी करने का मौका बन गया है। बस उनको शेयर में दम दिखना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि शेयर भागेगा या फिर भाग जाएगा,
अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जब किसी को मिलने वाला रहेगा तभी ना, मतलब उससे कुछ उनको रहेगा चाह तभी ना कि ये भाग जाएगा ऊपर, बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है, अच्छा शेयर है, कुछ उनको दिखेगा इसके अंदर तभी ना कोई खरीदेगा भाई। ऐसे थोड़े किसी को शेयर उठा के खरीद लेगा, और ऐसे छोटा शेयर है तो देखते हैं 2 4 10 दिन अगर भागा तेजी में तो लोगों में जो है वो फोमो वाला जो है डर क्रिएट होगा कि कहीं भाग ना जाए, यहीं से 5 रुपया चला जाए, 7 रुपया चला जाए, तो जल्दी से इसको खरीद लेते हैं। जब जल्दी से खरीदने के लिए लोग आएंगे तो फिर और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई की कमी होगी तो और तेजी इसमें आती है। तो देख लीजिएगा फिलहाल में नीचे कई सारा सपोर्ट बना हुआ है, 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये और 1 रुपये 80 पैसे, हर 20 पैसे के अंतराल पे इसका 3 सपोर्ट नीचे की साइड में बना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है इसमें, लॉन्ग टर्म वाले बिंदास इसको होल्ड करेंगे। दिक्कत है स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए, कि स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मुझे लग रहा है इस बार कि हो सकता है कहीं ना कहीं एक बार 20 मतलब 2 रुपये 20 पैसे वाला लेवल ब्रेक नीचे की साइड में करे, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से जब भी लो बनता है तो फिर उस लो को ब्रेक करके ही बड़ी तेजी आती है। हालांकि उस लो को यहाँ पे एक बार ब्रेक किया था इस वाले पॉइंट पे, ये एक सपोर्ट बना के यहाँ पे ब्रेक करके बताया था और यहीं से भागा था, और मैं बोला भी था कि यहीं से भाग जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर से एक सेलिंग आएगी तो फिर से हो सकता है इस लो को ब्रेक करके फिर से भागे। तो देखते हैं, संभावना है दोनों साइड की, तो मार्केट एक क्या करेगा वो तो पता चलेगा सोमवार को। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना।